हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द IBPS गाइड। दिस इज यशराज सिंह चौहान है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के 14 वाले लेसन में आपका स्वागत है। तो आज जो डाटा इंटरप्रिटेशन ली गई है ये ट्रेन्स के ऊपर बेस्ड होगी, जो भी ट्रेन्स के क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो देखते हैं ये किस टाइप की DI है और उसमें क्या क्या चीजें इसमें गिवेन है। ओके, और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द SBIPO एंड द अपकमिंग एग्जाम ऑफ द बैंकिंग। ठीक है, और बाकी आप मोर अपडेट्स एंड वीडियोस के लिए IBPS गाइड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और मॉक और डेली क्विजेस के लिए आप IBPSguide.com को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस वाली पर्टिकुलर जो DI सेशन है इसमें क्या चीजें दी गई हैं, और इसके पहले के अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। और IBPS गाइड पे जितनी भी प्लेलिस्ट बनी है और SBIPO के लिए जो भी न्यू कोर्सेज उधर पे चालू हुए हैं, एडवांस तक हो, मतलब बेसिक टू एडवांस उधर पे कोर्सेज चालू हुए हैं, देन आपकी जो इंग्लिश फैकल्टी है, इंग्लिश फैकल्टी भी आपके लिए इधर पे लाई गई है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और इधर पे क्या है, प्लेलिस्ट भी अब प्लेलिस्ट को भी अब इंडिविजुअली क्रिएट कर दिया गया है। तो अगर आपको मेरे DI सेशन देखने हैं तो उधर पे आपको मिल जाएंगे बाई यशराज सर करके। ओके, तो बाई यशराज सर करके आप उधर पे मेरे DI हाई लेवल DI टॉपिक वाइज पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे इंडिविजुअल आप किसी भी उसकी चीजें देख सकते हैं, इवन वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर मेरी DI। ओके, तो देखते हैं क्या है इस पोर्शन में। ओके, सॉरी, द टेबल शो द स्पीड ऑफ द डिफरेंट ट्रेन इन द किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो टेबल है, ये टेबल मुझे क्या बताता है, ये टेबल मुझे स्पीड बताता है। अगर मैं ट्रेन ए की बात करता हूँ तो ट्रेन ए की मेरी स्पीड कितनी होगी, 45 किलोमीटर पर आवर। बी के रिगार्डिंग अगर देखता हूँ तो जैसे 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टेबल में तो ऐसा कुछ नहीं है, और डायरेक्टली मैं अगर बताऊँ तो टेबल का ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे वो ट्रेन बेस पे क्वेश्चन है। ठीक, DI का इसमें पोर्शन बस इतना सा है कि ये टेबल दी गई है, अगर ये टेबल नहीं भी देते तो भी हम कर सकते थे। तो बेसिकली आज हमारा जो होगा ये कॉन्सेप्चुअल DI होगी, यानी कि जो भी हमारा टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने देखिए, ट्रेन बी स्टार्टेड एट द 9 AM फ्रॉम द स्टेशन एक्स टुवर्ड वाई। तो यानी ट्रेन ए जो है वो कहाँ से जा रही है, वो स्टेशन एक्स से जा रही है, कहाँ, वाई, और कौन सी स्टेशन ट्रेन है ये, ट्रेन बी। ओके, और कितने बजे जा रही है जी, 9 AM, है ना, किस साइड जा रही है, इस साइड। ठीक है, तो पूरे मेरी चीजें क्लियर हो गई। ठीक, और ट्रेन बी की अगर मैं स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी सारी चीजें हो गई क्लियर। ओके, और क्या दिया है, आफ्टर टू आवर यानी कि 9 AM के बाद अगर मैं 2 घंटे की बात करता हूँ तो वो मेरे कितने हो जाएंगे, 11 आवर ना, तो 11 AM। तो आफ्टर टू आवर ट्रेन ई स्टार्टेड फ्रॉम वाई टू टुवर्ड्स द एक्स, तो इधर से स्टार्ट होती है कौन सी ट्रेन, ई, इस डायरेक्शन में, और कितने बजे, 11 AM, क्योंकि 2 आवर की बात कर रही है। और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना। अच्छा, तो आगे देखते हैं, द टू ट्रेन आर एक्सपेक्टेड टू क्रॉस ईच अदर 1:30 PM, कि यानी कि अगर 1:30 PM पे वो क्रॉस करेंगी तो 11 बजे के बाद अगर मैं 1:30 PM देखता हूँ तो कितने एग्जैक्टली घंटे होते हैं, 2.5 आवर, है ना, यानी 2.5 घंटे बाद वो एक्सपेक्टेड की जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से मीट करेंगी। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि अगर वो मीट करेंगी तो दोनों की जो रिस्पेक्टेड स्पीड होती है वो मुझे पता लगाना होती है। तो अगर मैं रिस्पेक्टेड स्पीड निकालना है तो पहले मैं बी जो ट्रेन है उसको 11 बजे तक तो चला लूँ, तो 11 बजे तक वो कितना चलेगा, देखो 1 घंटे में वो 72 किलोमीटर चल रही है, तो 2 घंटे में यानी 11 बजे तक अगर मैं चलाऊंगा तो 2 घंटे हो जाएंगे ना, तो 2 घंटे में वो कितनी चल रही होगी, 2 घंटे में चल रही होगी वो 144 किलोमीटर। क्लियर है ना, 144 किलोमीटर उसने 2 घंटे में चल लिया। ओके, तो अब ये भी आ गई कितने बजे, 11 बज गए इसके भी। ठीक, अब दोनों के अगर 11 बज गए तो ये साइड जा रही है और ये वाली ट्रेन इस साइड आ रही है, यानी दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसे अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएगी, 72 और 90, है ना। तो 90 को मैं 100 मानता हूँ, और 100 में अगर मैं 72 दूंगा तो 172, मैंने 10 ज्यादा है ना, 10 ज्यादा किए तो 10 कम कर लूंगा, यानी 162, यानी जो मेरी रिस्पेक्टेड स्पीड आएगी, रिस्पेक्टेड स्पीड वो मेरी कितनी आएगी, 162 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वो जैसी 162 किलोमीटर पर आवर आएगी तो मेरा एक्सपेक्टेड टाइम कितना था, 2.5 आवर में वो मीट कर जाएंगे, क्योंकि 1:30 बजे वो लोग दिन में PM में मीट कर रही है, यानी आफ्टर 11 अगर मैं 1:30 बजे तक यानी 1:30 PM तक अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे 2.5 आएंगे। अगर टाइम मेरा 2.5 आवर आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है, 2.5 आवर, तो मैं टाइम में इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाली मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना करूंगा, देखिए 162 में इंटू 2.5, ये देखिए मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड, है ना, टाइम इंटू स्पीड यानी कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, तो ये मेरा डिस्टेंस निकल के आने वाला है। कैसे करूंगा, देखो इसको डबल करता हूँ, उसको हाफ करता हूँ, ये डबल हो जाएगा 5 और इसका हाफ हो जाएगा मेरा 81। क्लियर है ना, इसका मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 8 × 5 = 40 यानी 400, 5 कम 5 यानी 405, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो मेरी 405 आएगी। क्लियर है ना,
तो इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 405। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या दिया है, आगे देखते हैं। ओइंग इन अ सिंगल सिग्नल, सॉरी ओइंग अ सिग्नल प्रॉब्लम अराइजिंग एट अ 12 नून, के 12 बजे क्या हो जाता है, 12 बजे एक सिग्नल प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे क्या होता है, द स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन दैट वॉज रिड्यूस बाय द सेम क्वांटिटी। यानी कि अब सिग्नल की हो गई प्रॉब्लम, अब बेसिक का बेसिक अगर मैं फिगर फिर से ड्रॉ कर दूं, क्योंकि उधर पे हो नहीं पाएगा, थोड़ा हौच पौच हो जाएगा एरिया एक्स बाय, इधर से मेरी बी ट्रेन जा रही थी और इधर से मेरी ई ट्रेन जा रही थी, क्लियर है ना, और ये जा रही थी मेरी 90 किलोमीटर पर आवर से और ये जा रही थी मेरी 72 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और ये 9 बजे और ये 11 बजे, तो सारी चीजें मेरी एज इट इज पहले जैसी हो गई। ठीक, अब एक क्या होता है कि एक प्रॉब्लम हो जाती है सिग्नल में, प्रॉब्लम हो जाती है 12 बजे, अगर 12 बजे सिग्नल में प्रॉब्लम होती है तो देखो पहले तो मुझे इसे 11 बजे तक चलाना ही है, और 11 बजे तक अगर मुझे चलाना है तो 144 तो ये चलेगी चलेगी, तो अदर बज गए 11, यानी 11 AM हो गया। अब 11 AM से, और ये भी 11 AM से, और 12 बजे सिग्नल में प्रॉब्लम हो रही है ना 12 बजे दिन में, तो 1 घंटे तक तो इन ये रिस्पेक्टेड चाल से चले होंगे ना, अगर इनकी रिस्पेक्टेड स्पीड में देखता हूँ तो वही आएगी मेरी एज इट इज जैसी सेम पहले आई थी, तो रिस्पेक्टेड स्पीड आ गई ये, और 1 घंटे तक अगर ये चले हैं तो टाइम कितना आने वाला है मेरा, 1 घंटा है ना 1 आवर, तो यानी इनने कितना डिस्टेंस चला होगा, 160 किलोमीटर तो ये चल ही गए होंगे। अगर ये 160 किलोमीटर चल चुके हैं, 162 किलोमीटर अगर चल चुके हैं, तो अब बज गए 12, और 12 बजे आ गई इन्हें प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ गई कि अब वो सिग्नल में प्रॉब्लम हुई, तो देखते क्या है, द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन देन रिड्यूस बाय क्वांटिटी ऑफ सेम क्वांटिटी में, तो अब वो सेम क्वांटिटी में स्पीड रिड्यूस कर देंगे, यानी अगर इधर पे 12 बज गए, 12 नून हो गया, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, बी की स्पीड हो जाएगी कितनी, 72 - x, क्योंकि सेम क्वांटिटी में डिक्रीज हो रही है ना, और इसके भी मान के चलो कि इधर पे 12 बज गए, यानी कि 12 बजे तक ये इधर पे आ पाई, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड 90 थी ना, तो 90 - x, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी से कैसी हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, तो इसकी स्पीड ही हो गई। अब जो रिस्पेक्टेड स्पीड निकलेगी, अब जो रिस्पेक्टेड स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, देखो एक ही डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ती है ना, और जुड़ेंगी तो कितनी, ये 90 और 72 162, और -x - x 2x, ठीक है, और अगर अब वो कितने बजे, जैसे ही ये क्वांटिटी में क्रॉस कम हो जाती है, तो वो क्रॉस करेंगी ईच अदर एट द 4:30 PM, और 4:30 PM यानी कि मेरा 4:30 यानी कि 4:30 PM अगर वो दिया है, यानी कि 4:30 PM पे अब मिलेंगे, और 4:30 पे अगर वो मिलेंगी तो एग्जैक्टली वो कितना चली होंगी, तो मुझे वो कहाँ से देखना है, अब 11 बजे से देखना है या मुझे वो 12 बजे से देखना है, वो मानने वाली बात होगी है ना, तो मुझे 12 बजे से देखना पड़ेगा, क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड जो अंतर आया है वो 12 बजे के बाद आया है, तो 12 बजे से 4:30 तक, यानी 4.5 घंटे ना, तो इतनी स्पीड से वो चली होंगी, कितने टाइमिंग से, 4.5 घंटे, क्लियर हो रहा है, ये हो गई इनकी स्पीड, तो कितना डायरेक्शन चली होंगी ये, तो डायरेक्शन अगर मैं बात करूं, अगर इनने इतनी स्पीड से डायरेक्शन चला होगा तो वो कितना आया होगा, मैं एग्जैक्टली इसमें मल्टीप्लाई करने वाला हूँ ना, तो एग्जैक्टली अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आने वाला है मेरा (x)(4.5, ठीक, तो इधर पे इस वाले फिगर में टोटल डिस्टेंस कितनी चली है ये, और इस वाले फिगर में जो टोटल डिस्टेंस चली थी वो कितनी चली थी, 405, तो क्या 405 की वैल्यू ये नहीं होगी, बिल्कुल होगी, और अगर 405 की वैल्यू ये होगी तो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, देखिए 4.5 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा है ना, और 4.5 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है, और फिर इसे मैं जोड़ दूंगा, ठीक, क्लियर हो रहा है ना, और इधर पे मुझे 405 रखना है, और 405 अगर मुझे इनके बराबर रखना है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कराता हूँ, देखना क्या करूंगा मैं, 162, देखो लिखना नहीं है, बस आप देखते जाना क्या अप्रोच मैं इधर पे लिखने वाला हूँ, 4.5 + 162, क्लियर है, और बराबर में मुझे 405 रखना है, ठीक है ना, अगर मैं 405 ना रख के 162 × 2.5 रख दूं तो, और ये मुझे वर्बली करना है, मुझे सोचना है बस, ठीक है, अब देखिए सॉरी, अब देखिए क्या कि ये 4.5 मेरे अंदर जाएंगे, और जैसे ही ये 4.5 मेरे अंदर जाएंगे तो ये होगा 162 × 4.5, और ये एक मेरा 162 पहले से है, तो 162 × 4.5 और 162 × 1 ये मेरे कितने हो जाएंगे, 162 × 5.5, ओके, और जैसे ही ये 162 × 5.5 हुए तो ये वाला 162 × 2.5 इधर आएगा, तो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो एग्जैक्टली मेरा कितना बचेगा, 162 × 3, और इक्वल में क्या बचेगा, इक्वल में बचेगा मेरा जो भी इसका मल्टीप्लाई हुआ होगा वो मेरा इस साइड आ जाएगा, तो वो मेरा हो जाएगा 9x, क्लियर हुआ है, 3 से मेरा कटेगा 3 टाइम, और 3 से कटेगा कितनी बार, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यानी x की एग्जैक्टली जो वैल्यू आ गई वो 54 आ गई, क्लियर हुआ ना, मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ऐसे ही आपको रियल एग्जाम में कैलकुलेट इन चीज कहते हैं,
देखिए मेन चीज क्या होती है कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, रियल एग्जाम में मैं कैलकुलेशन कैसे करोगे वही चीज मैं इधर बताता हूँ कि आप स्टक ना हो और फालतू की कैलकुलेशन ज्यादा ना करें, उनसे बचने के लिए मैंने ये पूरी चीजें आपको बता के रखी। तो एक्स की वैल्यू मेरी 54 आ गई, तो मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था व्हाट इज द न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम एक्स। तो एक्स से कौन सी स्टार्ट हुई थी, ये वाली ट्रेन ना, तो इसकी स्पीड न्यू वाली स्पीड कौन सी, 72 माइनस एक्स। अब 72 में से मुझे एक्स माइनस करना है, एक्स की वैल्यू 54 है। ये होते हैं मेरे 9872 और ये होते हैं 9654। तो आठ आठ हम मतलब ये 8 जा और ये 6 जा, तो 8 जा माइनस 6 जा 2 जा, तो कितने 2 जा, 9, 9 तो 9 2 जा 9 2 जा 18, तो 18 मेरा आंसर। ये घटाने की ट्रिक है एक। जैसे मान के चलो अगर मैं कोई बड़ा नंबर लू 144 और 72, देखो एग्जैक्टली कट जाएगा, माने 84, ये कट जाएगा, वैसे 60 आता है, लेकिन मैं बताता हूँ। ये देखिए 12 से अगर मैं देखूं तो 12 बारह, और 12 से अगर देखूं तो 12 सत्ते है ना, तो 12 12 में यानी 12 12 जा और 12 7 जा, तो 12 जा माइनस 7 जा 5 जा ना, तो कितना 5 जा, 12 5 जा, तो यानी 60। क्लियर हो गया, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 63 में से माइनस करना है, बहुत जल्दी माइनस करना है ना, 63 में से आपको माइनस करना है 54, ओके। और बहुत जल्दी माइनस करना है तो कैसे करेंगे, देखें वैसे तो ईजी है, 9 7 जा 7 जा और 9 6 जा 6 जा, तो 7 जा माइनस 6 जा 1 जा, कितना 9 1 जा, तो 9 आ जाएगा मेरा। एग्जैक्टली आप समझ रहे हैं, ये अप्रोच होना चाहिए आपकी, बड़े बड़े नंबर आते हैं तो ऐसे डील करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको टेबल आना चाहिए, और टेबल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपकी कैलकुलेशन के लिए। और जब जब जितनी बार आप ये वाली चीजें एप्लीकेशन उसमें लगाने लगोगे ना, तो आपके टेबल भी ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे, उसे लर्न नहीं करना पड़ता है, जस्ट प्रैक्टिस करना होती है उसकी, ठीक है। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, ओके, आगे क्या दिया है, 300 मीटर ट्रेन सॉरी 300 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन ए पासेस पॉइंट पी कम्प्लीटली, कि वो पी को कम्प्लीटली पास कर लेती है, ठीक है। अगर वो पी को कम्प्लीटली पास कर लेगी तो सबसे पहले मुझे ट्रेन ए की स्पीड चाहिए, तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आर, और अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो वो कितनी आएगी, तो वो मेरी वैल्यू आ जाएगी आगे। क्यों मीटर पर सेकंड में बदलने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इधर पे ये मीटर में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो कितनी आएगी, 45 5/18 ना, इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, ओके। तो ये मेरा कितने टाइम, 5 9 5 जा 9 3 जा, तो ये मेरे कितने हो गए, 25 सॉरी 9 2 जा होते हैं, 25/2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ओके। आगे देखता हूँ, एट द सेम टाइम अ मोटर बाइक स्टार्ट फ्रॉम पी। अब देखिए अगर मान के चलो ये पॉइंट पी है, ठीक है ना, एक ट्रेन इसको कंप्लीटली पास कर गई, मतलब इधर से आई और कंप्लीटली पास कर गई, यानी ट्रेन इधर पहुंच गई कहीं, मतलब मान लिया मैंने ये ट्रेन जा रही, कंप्लीटली पास कर गई मतलब इसको क्रॉस कर गई, ओके। और एट दैट टाइम जब वो क्रॉस करी, वहां से एक मोटरसाइकिल चालू हुई, अब वो मोटरसाइकिल इधर जा रही है इधर जा रही है, उस चीज का कैसे मतलब मैं डिफाइन कर पाऊंगा उसको, तो उसमें देखते हैं आगे। तो ट्रेन जो मोटर बाइक स्टार्ट हुई है पी से विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर, यानी मोटर बाइक की स्पीड कितनी है, मोटर बाइक की अगर मैं स्पीड देखूं तो वो कितनी है, 70 किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो इसको भी मैं मीटर पर सेकंड में बदल लूंगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट्स एग्जैक्टली रीच द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन ए, अब ट्रेन इस साइड है ना, तो ये मोटर बाइक किस साइड, इस साइड ही जा रही होगी, ट्रेन भी इसी साइड जा रही है, मोटर बाइक भी इसी साइड जा रही है, तो रिस्पेक्टेड जो इनकी वो निकलेगी स्पीड, रिस्पेक्टेड स्पीड इनकी कितनी निकलेगी, अगर एक ही डायरेक्शन में, तो वो दोनों माइनस हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं पे माइनस करके फिर अगर मीटर पर सेकंड में निकाल लूँ तो वो थोड़ा इजी रहेगा, या मैं पहले से मीटर पर सेकंड निकाल लूँ फिर माइनस कर लूंगा, तो उसको मीटर पर सेकंड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 70 × 5/18, अच्छा 2 से अगर मैं कट करता हूँ तो ये मेरा कितना जाएगा, 35 टाइम, और 2 से अगर मैं इसे कट करता हूँ तो ये 9 टाइम। अब इसे घटाना इजी नहीं हो पाएगा ना, तो अगर मैं इधर कर लेता तो इधर मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये मेरा इधर पे ये मेरा एग्जैक्टली मुझे 25 देगा, और 25 को मुझे बदलना है किसमें, अब ये किलोमीटर पर आर में ना, इसे बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये कन्वर्टेड हो जाएगा 125/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि वो किस पे पहुंच गया, वो मिडिल पॉइंट में पहुंच गया ट्रेन ए के, तो ट्रेन ए के अगर वो मिडिल पॉइंट पे पहुंचेगा तो ट्रेन ए की जो लंबाई है वो 300 मीटर है, तो मिडिल पॉइंट यानी कि उसने कितना कवर किया होगा, एग्जैक्टली उसने कवर किया होगा सॉरी इसने कवर किया होगा 150 किलोमीटर, ठीक है। और रिस्पेक्टेड स्पीड से ना, और रिस्पेक्टेड स्पीड से इसे कवर करने में कितना टाइम लगा है वो इसकी क्या बताएगी मुझे, कि वो इसका जो टाइमिंग आएगा वो बता देगा मुझे, ठीक है ना। तो अगर मैं इधर पे देखता हूँ तो 150 मीटर रिस्पेक्टेड अगर उसने स्पीड से कवर किया है, यानी 125/18 से कवर किया है, यही है ना उसकी चाल, यानी दूरी बटे कितना, दूरी बटे चाल, यानी 125 और अपॉन का 18 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो ये मेरा क्या आने वाला है, ये मेरा टाइम आने वाला है इसका, पहला वाला टाइम, पहली आधी दूरी को पार करने में, यानी हाफ डिस्टेंस पार करने में, हाफ डिस्टेंस पार करने में जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, इसको मैं काटता हूँ 25 से 6 बार और 25 से 5 बार, यानी एग्जैक्टली मुझे जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा,
ये 18 छक्के 108/5 सेकंड, तो ये सेकंड में मिल गया मुझे पहला टाइम। अच्छा, दूसरा हाफ जो टाइम मिलेगा वो मुझे कैसे मिलेगा, देखिए दूसरा हाफ के लिए जो डिस्टेंस के लिए टाइम मिलेगा उसके लिए वो क्या करता है, जैसे ये मिड पॉइंट में पहुंच जाता है, द ट्रेन इंक्रीज इट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, यानी अब उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की, ठीक है। और मोटर बाइक क्या करती है, एंड मोटर बाइक रिड्यूस इज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर, तो 70 से अब कितनी होगी 65 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दोनों ही की डायरेक्शन में तो कितनी हो जाएंगी, दोनों घट जाएंगी, और अगर ये घट जाएंगी तो अब बचेगा सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर, और 5 किलोमीटर पर आवर को फिर अगर रिस्पेक्टेड निकालना है तो अब जो न्यू रिस्पेक्टेड आएगा, न्यू रिस्पेक्टेड वो कितनी आएगी स्पीड, न्यू रिस्पेक्टेड जो स्पीड आएगी वो आएगी मेरी 5 × 5/18, है ना, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो ये मेरी हो जाएगी 25/18 मीटर पर सेकंड, ये न्यू रिस्पेक्टेड स्पीड हो गई, ठीक है। और न्यू रिस्पेक्टेड स्पीड कितनी दूरी को पार कर रही है, 150 को पार कर रही है, तो वही चीज यानी 150 बटे कितना 25, और ऊपर चला जाएगा 18, यानी 25 छक्का 150, तो ये मेरा कितना होगा 108, कितने सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए क्या, अब अगर मैं देखूं क्या निकालना है मुझे, मुझे निकालना थी क्या कि हाउ मच डिस्टेंस विल मोटर बाइक ट्रेवल वाइल पासिंग द कार, पासिंग द ट्रेन, कि ट्रेन को पास करने में उतना उसने कितनी डिस्टेंस पार करी, मतलब कितनी डिस्टेंस वो चली, और अगर वो कितनी डिस्टेंस चली तो मुझे दोनों टाइम पता है ना, ये हाफ वाला टाइम पता है और वो हाफ वाला, और पहले वाली मुझे स्पीड पता है इसकी ये, और दूसरी वाली स्पीड पता है ये, तो पहला हाफ जो किया था वो इतने सेकंड में किया था, कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से, यानी 70 × 108/5, ये मेरा कितना आएगा डिस्टेंस आएगा, क्यों, 4 × समय, ये पहली डिस्टेंस। अच्छा, दूसरी डिस्टेंस मेरी क्या आएगी, दूसरी डिस्टेंस आएगी 65 × 108, तो ये आ जाएगी दूसरी डिस्टेंस, तो मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो मैं बीच में प्लस लगा दूंगा, और बीच में मैं प्लस लगा दूंगा तो अब मुझे आंसर जो है वो किलोमीटर में मिल रहा है, और किलोमीटर में अगर मुझे आंसर मिल रहा है तो अगर मैंने इसमें इधर गुणा कराया है तो वो आंसर मेरा कहीं ना कहीं मीटर में आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मेरा हो गया 14 बार, ठीक है, ये कितने 108 है 14, ये कितने 108 है 65, है ना, तो टोटल अगर मैं कर लूंगा तो ये मेरे कितने 108 हो जाएंगे, देखिए 65 में मैं 4 दे दूंगा 69, और 10 दे दूंगा तो 79 × 108, क्लियर है ना, अगर क्लियर है तो मैं इसको आगे कर सकता हूँ, आगे मैं कैसे करूंगा, देखिए अब मुझे इसको मैं मल्टीप्लाई कराना है, बस मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर मैं एग्जैक्टली यही देख लूंगा, बट मैं क्या देखता हूँ, ये 80 हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, 80 × 80, और 80 से टच में तो कुछ नहीं है। अच्छा, एक सेकंड, एक मेरी प्रॉब्लम हो गई क्या, कि ये वाली चीज सेकंड में दी थी और ये किलोमीटर पर आर में दी थी, तो मुझे इसको पूरा भी, इसे भी क्या आर में बदलना पड़ेगा ना, अगर मैं इसे आर में और इसे आर में बदलता हूँ तो फिर मैं करा पाऊंगा आंसर। तो देखो, अगर मैं 60 से नीचे डिवाइड करा दूं तो ये मिनट बन गया, और 60 से और डिवाइड करा दूं तो ये मेरा आर बन गया, ठीक है ना। अच्छा, 12 से अगर मैं काटता हूं तो ये कितनी बार जाएंगे, देखिए 12 से ये जाएगा 9 बार, और 12 से ये जाएगा 5 बार, 3 से ये जाएगा 3 बार, और 3 से ये जाएगा 20 बार, तो ये 20 × 5 = 100, यानी कि 3/500 घंटे आर, तो ये आ गया मेरा ये वाला। इसको निकालता हूँ तो फिर वही 60/60 करना पड़ेगा ना, 60 से, तो 12 से काटूंगा, 12 से काटूंगा 5 बार, 12 से काटूंगा 9 बार, 9 से काटूंगा 3 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा 20 बार, यानी 3/100, क्लियर हो गया। तो ये दूसरा वाला है तो दूसरी वाली स्पीड ये है, और ये पहला वाला है तो पहली वाली स्पीड ये है, तो यानी मुझे क्या कराना है, मुझे कराना है 70 × 3/500 प्लस 65 × 3/100, क्लियर है ना। अच्छा, और क्लियर है तो देखो 5 से ये मेरा कट जाएगा, ये 14, तो मेरा कॉमन क्या आ रहा है, 3/100 मेरा कॉमन आ रहा है, अंदर मेरा क्या बचता है, अंदर बचता है मेरा 14 + 65, और 14 + 65 मेरे कितने होते हैं, अगर मैं 3/100 ऐसे ही छोड़ दूं तो 14 + 65 कितने होते हैं वो देखने वाली बात है। तो देखे अभी हल तो जोड़ी थे ना मैंने, 14 + 65 कितने होते हैं 79 होते हैं। अच्छा, 3 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो देखो 3 7 का मेरे कितने होते हैं, इधर पे देखता हूँ मैं, देखो क्या है 3/100 और 79, यही है ना, तो 3 7 का मेरे 21 और 3 9 का 27, तो ये मेरा एग्जैक्टली कितना रहा है 2 3 7/100, तो ये 100 कहाँ देगा पॉइंट, तो यानी 2.37 किलोमीटर, क्योंकि सारी चीजें किलोमीटर पर घंटे में चेंज हो चुकी थी, तो यानी ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा आपको, देखिए आंसर भी मेरा एग्जैक्टली सही आ गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, ये सेकंड और किलोमीटर और ये घंटे को याद रखना, कभी भी रियल एग्जाम में ये गलती मत करना, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या गिवन है, द ट्रेन सी जर्नी डिस्टरप्टेड ड्यू टू एन एक्सीडेंट ऑन इट्स ट्रैक आफ्टर इट हैज ट्रेवल 30 किलोमीटर, कि 30 किलोमीटर चलने के बाद उसको क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिससे उसकी जर्नी डिस्टरप्टेड हो जाती है, तो ट्रेन सी की क्या करना है, मुझे थोड़ी सी डिस्टेंस पता पड़ जाए, मतलब जो है उसकी चाल पता पड़ जाए, यानी स्पीड पता पड़ जाए, वो इधर पे नहीं दी है, तो आगे देखते हैं। इट्स स्पीड देन कम्स डाउन 4/5, किसका, उसकी ओरिजिनल स्पीड का, ऑफ इट्स ओरिजिनल,
तो उसकी ओरिजिनल स्पीड जो भी होगी, ओरिजिनल मैं क्या लेट कर लूंगा, स्पीड ओरिजिनल स्पीड ऑफ सी कितना लेट करूंगा इसको, इसको लेट कर लूंगा मैं 5x। वाई 5x, 5x किलोमीटर पर आर, क्यों? क्योंकि नीचे अपॉन में 5 है। तो अब जो इसकी स्पीड आएगी, न्यू स्पीड जो इसकी होगी वो कितनी होगी, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड ऑफ सी कितनी होगी मेरी, 4x। वाई 4x क्योंकि 5x अगर का अगर मैं 4/5 करूंगा तो वो मेरा 4 आएगा, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद वो 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। एंड कंसिक्वेंटली इट रन्स 45 मिनट लेट, कि यानी कि वो 45 मिनट क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। ठीक है भैया, देखते हैं। हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस 18 किलोमीटर फर्दर अवे, यानी कि अगर एक्सीडेंट 18 किलोमीटर दूर होता, अगर मान के चलो अगर वो एक्सीडेंट 18 किलोमीटर दूर होता तो वो क्या होता, तो इट वुड हैव बीन 36 मिनट लेट, यानी कि अब वो 36 मिनट कम लेती, मतलब 36 मिनट लेट होती। तो अगर पहले वो 45 मिनट लेट हो रही है तो अब कितनी लेट हो रही है, 36 मिनट लेट हो रही है ना? तो यानी एग्जैक्टली उसे 9 मिनट कम लग रहे हैं ना, अगर उसे 9 मिनट्स कम लग रहे हैं तो आर में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 9/60 उसे घंटे अब कम लग रहे हैं, किसकी वजह से, अगर वो एक्सीडेंट 80 किलोमीटर दूर हुआ होता। तो 80 किलोमीटर 5x की चाल से चलूंगा तो कितना टाइम लगा वो दिखा दूंगा, 80/5x, ये टाइम, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल समय। और 80 किलोमीटर अगर मैं 4x के उससे निकाल दूं तो समय पता पड़ जाएगा, तो ये समय, तो इन दोनों समय का अंतर ही तो ये आया है ना, क्योंकि पहले अगर देखता हूं तो पहले की जो कहानी थी वो 45 मिनट लेट हो रही थी, बट 18 मिनट अगर आगे अगर एक्सीडेंट होता तो 18 किलोमीटर अगर आगे एक्सीडेंट होता तो 18 किलोमीटर को आप 5x कितनी देर में चलोगे और आप 4x कितनी देर में चलोगे, वो टाइम मेरे पास आना चाहिए ना। तो इन दोनों का जो अंतर है, और ये जो अंतर है वो 9 मिनट है ना, तो अगर 9 मिनट को मैंने आर में बदल दिया तो सारी चीजें मेरी आर में आ गई, क्लियर हो गया। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो 9 से मैं कट कर दूंगा, ये 2 जा और ये 2 जा, क्लियर हो गया, क्योंकि अगर मैं 80 कॉमन लेता तो फिर 9 से काटता, इससे अच्छा मैं अभी काट दूं, तो अब मैं कॉमन ले लूंगा। अच्छा, नीचे मैं 20x एलसीएम लूंगा, ठीक, तो 5x से कटेगा मेरा कितना, 4 टाइम, और ये मेरा कटेगा कितनी टाइम, देखो इधर पे डिफरेंस लेना होता है ना, डिफरेंस अंतर, ठीक है, तो वो छोटा बड़ा जो भी है वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो 5x से ये कटेगा 4 टाइम, तो ये 4, और ये वाला कितना, 4x से कटेगा 5 टाइम, तो ये 5, तो इधर पे मेरा कितना आएगा 1/60। तो अगर मैं 20 से किससे काटूं तो ये कितनी बार जाएगा, 20 से ये जाएगा मेरा कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो अगर अब मैं करता हूँ तो x इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 3 दूनी 6 और इन दोनों का अंतर 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो वो पूछता क्या है, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन सी, तो ट्रेन सी की ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 5, और x का मल्टीप्लाई कराऊंगा यानी 6 का, तो वो कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आर। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ सी यानी 30 किलोमीटर, वॉट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ ई, तो वॉट परसेंट यानी कि 90 की बात कर रहा है, 90 की बात कर रहा है ना, तो 0 से 0 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 3 टाइम, यानी 1/3, 1/3 को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में इसको क्या कहते हैं, अगर मैं 1/3 की बात करता हूँ तो दिस इज द बी, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी, क्योंकि परसेंट के लिए मैं 100 लगाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो रही है तो अब आपके पास आंसर आ चुका है, तो वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1/3 को मैं बोलता हूँ 33 होल 1/3%। अब बोलोगे ऐसा तो कुछ है नहीं, अगर मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज 99, और 1 अगर इसमें जोड़ूंगा तो 100/3%, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या चीज गिवन है, आगे देखते हैं। ओके, तो दिस इज द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ना, तो देखते हैं क्या है? ट्रेन डी डिपार्टेड फ्रॉम अहमदाबाद एट 6 PM फॉर बॉम्बे, तो अहमदाबाद से एक ट्रेन चल रही है और कहाँ जा रही है, बॉम्बे जा रही है, ठीक है। अहमदाबाद से वो ट्रेन चली और बॉम्बे गई कितने बजे, 6 PM, 6 PM पे, और कौन सी ट्रेन है, वो ट्रेन है डी, तो उसकी चाल कितनी है, तो उसकी चाल तो मुझे पता ही है, ठीक, लेकिन इस साइड जा रही है, डायरेक्शन पता है। ओके, आगे क्या बोलता है, एट 9 PM यानी कि 9 PM पे इधर से ही चलेगी वो, देखते हैं। एट 9 PM एन ट्रेन आ होगा, ये एन ही होगा, अ ट्रेन एफ हूज एवरेज स्पीड एक्सीड दैट ऑफ द ट्रेन डी बाय 15 किलोमीटर लीव्स बॉम्बे फॉर अहमदाबाद, यानी कि 9 PM से ट्रेन एफ जाती है अहमदाबाद की तरफ, है ना, और उसकी जो स्पीड है यानी कि एफ की जो स्पीड है वो कितनी ज्यादा है, वो ज्यादा है कितनी, वो 15 ज्यादा है डी से, यानी डी प्लस 15, यानी एफ माइनस डी की अगर मैं बात करूं तो ये 15 किलोमीटर पर आर आने वाला है, इतना तो मुझे पता पड़ गया, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बन हो जाएगी, ठीक। आगे देखता हूँ, आगे क्या है, आगे अगर मैं देखता हूँ, टू ट्रेन मीट ईच अदर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी मिड रूट, यानी कि मिड रूट पे मिल रही है वो लोग, बीचों बीच मिलेंगे, ठीक है। एट वॉट टाइम डू दे मीट, के उनको कितना टाइम लगेगा उधर मिलने के लिए,
गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज इज 1080, यानी इन दोनों के जो बीच की दूरी है ना सिटीज की, वो 1080 किलोमीटर है। और अगर मिड पॉइंट की बात करूं तो ये वाला मेरा 540 आएगा और ये वाला भी मेरा 540 आएगा। क्लियर है? तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि उन दोनों को जो मिलने में टाइम लगा है, देखो एट वॉट टाइम दे डू मीट, तो वो टाइम कितना लगा है। तो देखो सेम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में करते क्या है, मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूँ कि स्टेटमेंट पूरा सोल्व नहीं करना होता है, मुझे जस्ट पहुंचना होता है मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूँ। अगर मैं इधर तक पहुंचना चाहता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि इसकी स्पीड क्या है, और इसकी स्पीड क्या है वो डी देगा ना मुझे, वो डी देगा। ओके, और देखिए एक चीज और, कि अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो एफ प्लस डी लगेगा ना मेरा, है ना। और एफ प्लस डी वो जो लगेगा वो कितने बजे लगेगा, देखो 6 बजे से पहले मैं से 3 घंटे भगा लूंगा, यानी 3 घंटे ये कितनी भग जाएगी, कितनी स्पीड से भगेगी, वो डी की स्पीड से भगेगी, क्योंकि इसकी स्पीड मैं लेट कर रहा हूँ डी किलोमीटर पर आर, है ना, और इसकी स्पीड में लेट कर रहा हूँ एफ किलोमीटर पर आर, यानी वही सिंबल मान लिए जो दिए हैं उनके, ठीक है। तो अगर डी को अगर मैं भगाऊंगा डी की चाल से 6 से 9 बजे तक, तो 3 घंटे में कितना भग लेगा, 3D। और अगर ये 3D चल लेगा तो बची कितनी डिस्टेंस होगी, जो भी डिस्टेंस बची होगी वो कितनी बची होगी, मान के चलो 3D से मैं चल ली तो जो भी बची होगी वो 1080 - 3D बचेगी, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस वो कितनी रिस्पेक्ट स्पीड से चलेंगे ना। और रिस्पेक्ट स्पीड क्या होती है उनकी, रिस्पेक्ट स्पीड की अगर मैं बात करूं तो वो दोनों का सम होगा, क्योंकि डायरेक्शन उनके अपोजिट है, तो रिस्पेक्ट स्पीड हो जाएगी एफ प्लस डी। और एफ प्लस डी से अगर मुझे चलना है तो कितनी डिस्टेंस चलना है, तो वो डिस्टेंस चलना है मुझे 1080 - 3D अपॉन एफ प्लस डी, और इसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम है टी। क्लियर है? तो ये वाली सारी चीजें एक इक्वेशन मुझे इधर से मिल गई, तो मुझे पहुंचना है एफ और डी तक। अगर मेरे एफ और डी आ गए तभी मेरा समय आ पाएगा, अदरवाइज समय नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। 400 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन डी क्रॉस अ पोल ऑफ 32 सेकंड में, तो 400 मीटर का अगर वो पोल क्रॉस कर रही है 32 सेकंड में, तो 8 से मैं इसे काटूंगा 50 बार और 8 से काटूंगा 4 बार, यानी कि ये डी की मेरी स्पीड आ जाएगी कहीं ना कहीं, और डी की स्पीड मैं इधर रखूंगा तो एफ की स्पीड आ जाएगी, और डी और एफ की स्पीड रखूंगा तो मेरा टाइम आ जाएगा, और वो ही मुझे निकालना है। तो पहला स्टेटमेंट से तो मेरा आंसर आ गया। अब एग्जैक्टली क्या आ रहा है वो नहीं चाहिए मुझे, मेरा आ रहा है ना बस, वही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी बात करता हूँ, 600 किलोमीटर चल रहा है एफ में, 600 किलोमीटर 600 मीटर, और एफ चल रही है तो एफ कितने उसमें 36 में, यानी इधर से मेरी एफ की चाल आ जाएगी कि नहीं, और एफ की चाल आएगी तो मेरी डी की चाल आ जाएगी, और डी की चाल आ जाएगी तो एफ और डी की इधर रख के मैं टी निकाल सकता हूँ, यानी कि ये वाला भी मेरा ट्रू हो रहा है, यानी इधर फर्स्ट और इधर टू, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया ना? तो ये तो ईजी था, ठीक, इजी तो खैर नहीं कह सकते बट थोड़ा सा लॉजिकल था, बाकी इसमें इजी ही था। ओके, आगे देखते हैं। ओके, क्वांटिटी 1 और 2 के बाद टाइप में है, क्या दिया है, ए 4.5 किलोमीटर लेंथ, 4.5 किलोमीटर लेंथ है ना, इफ 4.5 किलोमीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन डी क्रॉसेस अ पोल, अब ये पोल को पार कर रही है जिसकी लंबाई 4.5 है, यानी कि खुद की लंबाई के बराबर ही पार करेगी, तो दूरी हो जाएगी 4.5 किलोमीटर, कितने मिनट में, 6 मिनट में, तो ये 6 मिनट में पार कर रही है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन डी, तो स्पीड ही तो निकल रही है, ये दूरी बटे समय, लेकिन ये मिनट में है ये किलोमीटर में, तो इसे मिनट को घंटे में बदलने पड़ेगा, तो 60 से मैं डिवाइड करूंगा और ये 60 पलट के जाला आएगा ऊपर, है ना, तो ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगा और 6 से ये 6 कट जाएगा, तो ये मेरी स्पीड कितनी आ गई 45 किलोमीटर पर आर ना, तो यानी ये जो आ गया ये क्वांटिटी 1 आ गई ना मेरी। ओके, क्वांटिटी 1 मेरी कितनी आ गई 45 किलोमीटर पर आर, ठीक है। क्वांटिटी 2 की अगर मैं बात करता हूँ, 6 किलोमीटर लेंथ ऑफ ट्रेन एफ क्रॉसेस अ पोल इन 6 मिनट, तो 6 किलोमीटर पोल है, 6 मिनट में उसे पार कर रहा है, तो मिनट को सेकंड में बदल, घंटे में बदलना है, तो 60 से डिवाइड करूंगा, यानी 60 पहुंचेगा ऊपर, तो 6 से 6 कट गया, यानी इसकी जो स्पीड आएगी वो 60 किलोमीटर पर आ आएगी। तो देख लो ना दोनों को मैच कर लो, 45 बढ़ा के 60, तो 60 बढ़ा, यानी क्वांटिटी 2 बढ़ी है, क्योंकि ये 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो क्वांटिटी 2 बढ़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी, देखो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये वाला आंसर मेरा फिट हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं, बस यही है पांचवा क्वेश्चन, इसमें लास्ट था, तो आपके कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे हो जाते हैं इस टाइप की, जब भी डीआई आती है टॉपिक वाइज डीआई, वो किसी भी चैप्टर पे है, वो प्रोबेबिलिटी मिक्सचर टाइम एंड डिस्टेंस एसआईसीआई, जिस पे भी आए आपके कॉन्सेप्ट अच्छे करके जाएगी वो, ठीक है, इसलिए आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है। और स्टेटमेंट वाइज टाइप में क्या होता है कि आपको क्लियर हो जाती है कि चीजें करना क्या होती है क्या नहीं करना होती। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप आईबीपीएस गाइड को सब्सक्राइब करें और उसकी वेबसाइट पर जाकर डेली क्विज एंड मॉक को भी दें, और ईबुक परचेज करके उसमें से भी काफी क्वेश्चन है तो उसको प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव के साथ इसको शेयर करें जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आगे के वीडियो के लिए मैं और भी चीजें अच्छी अच्छी लेके आऊंगा, एंड देन
आपको उससे बहुत ही आपकी जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसमें आपको बूस्टअप मिलेगा। तो ठीक है, तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे देखते हैं किस टाइप के मैं वीडियो लाता हूँ। जब तक के लिए आप ध्यान रखिए, अपनी प्रैक्टिस करिए, और आई होप आपको सारी चीजें अच्छी लग रही होगी जो भी आईबीपीएस गाइड आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो बाय, मिलते हैं अगली बार।